एग्जाम्पल 65, लेट इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ यू ई की पावर माइनस मोड एक्स माइनस यू डी यू इज इक्वल टू जी टी वेयर जी टी इज ए नॉन फंक्शन फाइंड एफ टी। तो पहले हमने क्या लिया, जी टी किसके इक्वल है, इंटेग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ यू ई की पावर माइनस मोड ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो इस पे हमने फिर से कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज कर लिया, जी टी किसके इक्वल आएगा, एफ टी स्टार ई की पावर माइनस मोड ऑफ टी। देन इस पे फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो फंक्शन को सेपरेट कर दिया, पहले इसको सॉल्व किया, देन इसको सॉल्व किया। ये अब आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस कर लिए। तो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 2/1 + s² तो सिंपली वहां इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, f(t) किसकी इक्वल आ गया, 1/2 + 1 + s² इसका रेसिप्रोकल कर दिया। वेयर f(g)t किसकी इक्वल था, g बार s, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, नॉन, दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, मेन क्या टारगेट है हमें f(t) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो सिंपली यहाँ पे यूज कर दिया, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी। बाय थ्योरम सेवन से हमारी इसकी वैल्यू तो पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f(g)\t, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है तो डबल डेरिवेटिव आएगा। ये हमने थ्योरम नंबर 7 में किया था, क्या था हमारे पास, f(d)^(n)(f)(dt) इज इक्वल टू आयोटा एस की पावर एन एफ बार एस, वेयर एन हमारे पास क्या है, 2, तो डबल डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एफ को कॉमन निकाल दिया, 1/2 gt - g" (t) इज इक्वल टू एफ के साथ एफ कैंसिल, यहाँ पे हमने कैंसिल नहीं करके दिखाना, ये अंडरस्टूड होता है। सो हमारे पास f(t) की वैल्यू आ गई 1/2 gt - g" (t). सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।